हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मस्कारा के हैक्स। जी हाँ, हमें मस्कारा को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए या किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मस्कारा के क्या क्या हैक्स हो सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि मस्कारा को हमें किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए और क्या क्या हैक्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे रूट्स में सफेद बाल हो जाते हैं, छोटे छोटे से सफेद बाल होते हैं, और हमें अगर किसी शादी या फंक्शन में जाना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कलर करें बालों को, या काफ़ी बार ऐसा होता है कलर करना भूल जाते हैं, इतना बिजी रूटीन हो जाता है लाइफ का। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी आईब्रोज़ पेंसिल गुम हो जाती है या मिलती नहीं है टाइम पर, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपका आईलाइनर नहीं मिलता है या सूख जाता है या ड्राई हो जाता है या बॉटल टूट जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद आप किस तरीके से सारा अपना मेकअप कर सकते हैं, अपना आईज़ का मेकअप कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं, आईलाइनर लगा सकते हैं, अपनी बालों की सफ़ेदी को छुपा सकते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम का मैं एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मस्कारा मेरे हाथ में इफेक्ट। और मस्कारा को सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर कि मस्कारा को कभी भी शेक मत कीजिए इस तरीके से शेक बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी इसे पाम पर लेकर बड़े प्यार से इस तरह से रोल कीजिए, ये देखिए, और तब इसे इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए, अब मैं इसे इस्तेमाल करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईब्रोज़ को अब तक फिल नहीं किया है, और मैं इसी मस्कारा की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो चलिए देखते हैं हैक नंबर वन। और जब भी आप इसे ओपन करें तो इसे इस तरह से पंप मत कीजिए, और इस पर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से हमें साफ़ करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है वॉन्ड के जो टिप पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रोडक्ट रह जाता है, तो उसे हल्के हाथों से बस आपने इसे साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी स्पूली की हेल्प से, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने कॉम कर लिया है। और अब मैं इस मस्कारा के वॉन्ड पर आप देख सकते हैं इस एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। जो ये प्रोडक्ट लगा हुआ है आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी आईब्रोज़ को फिल करना है, ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए डिफरेंस आप देख सकते हैं। और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, कोशिश कीजिए जब भी आप इस तरीके से मेकअप करें या आईलाइनर की तरह मस्कारा को इस्तेमाल करें या अपनी आईब्रोज को फिल करें तो वाटरप्रूफ मस्कारा का ही इस्तेमाल करें, खास तौर के समर्स में। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। ये था मेरा हैक नंबर वन। बात करते हैं हैक नंबर टू की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइनर नहीं लगाया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बॉटल टूट जाती है, मेरे बच्चे हैं तो वो कभी इधर उधर रख देते हैं, या गुम हो जाती है, टाइम पर मिलती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने मस्कारा को लेकर और इस तरह से एक पेंसिल ब्रश ले लीजिए, बिल्कुल बारीक सा ब्रश ले लीजिए, ये देखिए, और इसकी हेल्प से मैं आई लाइनर ड्रॉ करूँगी, ये देखिए। तो आप इस पर पोंछ दीजिए, ये देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा प्रोडक्ट ले लिया है मस्कारा से ही। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना आईलाइनर भी लगा लिया है, ये देखिए, और मैं अपनी दूसरी आईज पर भी आईलाइनर लगा लूंगी। हैक नंबर थ्री की बात करते हैं, और हैक नंबर थ्री है मेरा मस्कारा को किस तरीके से लगाना चाहिए और अपनी पलकों को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस आई लैश कर्लर का। जी हाँ, ये इससे बहुत अच्छे से आपकी जो आई लैशेज़ होती है ना, बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं आपकी पलकें। तो इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसे यूज़ करने के बाद आपकी पलकें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो देखिए किस तरीके से, बस हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करना है ऊपर तक, ये देखिए। और इसके बाद जब आप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा एक लुक आता है आपकी आईज़ में। तो ये देखिए किस तरीके से लगाना है हमें मस्कारा।
और अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी मस्कारा लगा लूँगी। कभी भी मस्कारा को इस तरीके से मत लगाइएगा। इसकी जो टिप होती है ये देखिए, इसे बिल्कुल आपने हल्के हाथों से नीचे की साइड लगाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट जो मेरा हैक्स है गाइस, यानी कि हैक नंबर 4 जो मेरा है वो ये है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे रूट्स पर यहाँ पर छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब लगते हैं, बहुत ही एम्बेरस फील कराते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं अपने बालों की सफ़ेदी को छुपाने के लिए, तो और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बीच में मांग में आपकी काफ़ी स्पेस रहता है। ये देखिए, मतलब मुझे तो नहीं है बट काफ़ी लोगों को होती है प्रॉब्लम। तब आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से मस्कारा लीजिए और अपने जो बाल होती हैं, मैं जस्ट आपको कर दिखा रही हूँ, आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से अपने बालों की जो सफ़ेदी है उसे छुपा सकते हैं। ये देखिए, मेरे बाल सफ़ेद नहीं है बट फिर भी मैं आपको कर दिखा रही हूँ जस्ट। और अगर आपके यू नो हेयर्स में यहाँ पर यहाँ मांग में अगर ज़्यादा गैप है तब भी आप इसे थोड़ा सा फिल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपको डाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से। और नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ पर हैक्स बताने जा रही हूँ, जी हाँ गाइस, और मैं बताने जा रही हूँ अगर आपका मस्कारा या आईलाइनर अगर ख़राब हो गया है, आपका आई मेकअप ख़राब हो गया है या आपकी लिपस्टिक ख़राब हो गई है, तब आप इसको कैसे इमीडिएट क्लीन कर सकते हैं, कैसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं और जिससे आपका मेकअप जो आपका यू नो पूरे फेस का जो मेकअप होगा वो ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक ईयरबड। जी हाँ, इस तरीके से ईयरबड ले लीजिए। और कोई भी जो अभी आपके घर में ऑयल वगैरह अगर अवेलेबल है, जैतून का तेल या बादाम का तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, जो भी अवेलेबल है उसे ले लीजिए, एक इस तरह से ड्रॉप पर लगा लीजिए। और अदरवाइज़ आप ले सकते हैं वैसलीन, और मैं यहाँ पर वैसलीन ही ले रही हूँ। तो ये देखिए कि काफ़ी बार हम जब अपने लोअर लैश लाइन पर लगाते हैं मस्कारा तो ये देखिए ये नीचे की साइड लग जाता है। ये देखिए जैसा कि सब मेरा ख़राब हो चुका है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि एक ईयरबड ले लीजिए और इसमें थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए। ये देखिए, और इसे क्लीन कर लीजिए। और इसे मैं किस तरीके से क्लीन करूँगी ये देखिए। तो ये देखिए, इसे आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। ये देखिए कितना ईजिली ये साफ़ हो गया है और इससे आपका जो पूरा आई मेकअप है वो भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर ऑयल लगता है या ऐसा लगता है कि मेकअप जो है हल्का सा क्लीन हो गया फाउंडेशन आपका, तो मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लैक्मे लूज पाउडर। और इसे जस्ट आपने एक्स्ट्रा डस्ट कर देना है और इसके बाद अपने इस तरह से आईज़ के पास लगा लीजिए। ये देखिए, इससे आपका जो मेकअप है वो ख़राब भी नहीं दिखेगा और ना ही आपका फाउंडेशन जो है साफ़ होगा। तो ये देखिए कितना ईजिली आपका मेकअप भी क्लीन हो गया है और यहाँ पर ऑयल भी नहीं नज़र आ रहा है। तो आप ये वाला हैक भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थे मेरे आज कुछ ब्यूटीफुल से हैक्स कि मस्कारा को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आईब्रोज पेंसिल नहीं है, अगर आपके पास आईलाइनर नहीं है, तो आप किस तरीके से मस्कारा की हेल्प से अपना आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। और एंड में मैं कुछ आपको ब्यूटीफुल टिप्स देना चाहूँगी गाइस कि मस्कारा को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि मस्कारा को कभी भी हमें शेक नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी पाम पर इस तरह से लेकर हमें यूज़ करना चाहिए। इससे आपका जो मस्कारा है लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और सेकंड जो मेरी टिप है वो ये है कि मस्कारा को कभी भी इस तरीके से पंप मत कीजिए। इस तरीके से पंप नहीं करना है हमें, वरना इसके अंदर एयर चली जाएगी, हवा चली जाएगी और जिसकी वजह से बहुत जल्दी ड्राई होने लगेगा। तो हमेशा सिर्फ नाइसली आपने इसे वॉन्ड को निकालना है, ये देखिए, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को इस तरह से इस पर रिमूव कर दीजिए, इस तरह से साफ़ कर लीजिए, तब इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ईजिली आप और अच्छे से इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और टिप नंबर 3 जो मेरी है वो ये है गाइस कि कभी भी अगर आपने मस्कारा को इस्तेमाल करना है, खासतौर से विंटर्स में कि मस्कारा काफ़ी मतलब ड्राई होने लग जाता है बहुत जल्दी, मस्कारा को इस्तेमाल करने से पहले आप एक ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें इस पूरी बॉटल को 2-4 मिनट मतलब रख दीजिए, 5 मिनट रख दीजिए बहुत होगा, और उसके बाद उसे निकालने के बाद बोतल को आप इस तरीके से अपने पाम पर, अपनी हथेलियों पर इस तरह से रोल कीजिए। इससे आपका मस्कारा भी लॉन्ग टाइम चलेगा और मस्कारा जो है अपनी फॉर्म में आ जाएगा अच्छे से, जिससे आप इसे इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा।
और नेक्स्ट जो मैं आपको टिप देने चाह रही हूँ गाइस वो ये है कि डेली में अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा का इस्तेमाल डेली में मत कीजिए। इससे हमारी आईलैशेस को यानी कि हमारी पलकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा निकालना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी बार बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाता है, जिससे कि आपकी जो पलकें हैं उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेली में उसे रिमूव करना वाटरप्रूफ मस्कारा को थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप अगर ऑफिस गोएंगे या बाहर जाते हैं तो आप नॉर्मल मस्कारा का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी पलकें भी सुरक्षित रहेंगी और आपका मेकअप भी ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए गाइस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कि किस तरीके से हम मस्कारा को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या हैक्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।